ये फुल ब्रिक स्टूडियो क्या चीज है, उसके आप मेरे ख्याल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, क्या है आप? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की स्पेलिंग आती है? सुनाए सुनाए मुझे पता नहीं आता। हाँ, अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख कासिम और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं दिल पे मत लेना। आज मेरे साथ देखिए दो दो गेस्ट मौजूद हैं, एक मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं, एक राइट साइड पे बैठे हुए हैं। लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं इनका नाम है फैजान शेख और जो मेरे राइट साइड पे बैठे हुए हैं इनका नाम है मौजूद हसन। क्या ना? मौजूद हसन। मौजूद हसन जी, असली नाम है आपका? जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है, इनका नाम मौजूद हसन है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ना या मैंने कोई बंदा आपको कहे कि आप लोगों को कहीं देखा हुआ है मगर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे? अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दे, इसी बहाने ना इंट्रोडक्शन ही हो जाएगा आप लोगों को। मुझसे वैसे अगर कोई पूछता है कि आपको कहीं शायद कहीं देखा हो, तो मैं हरगिज़ नहीं बताता कि उन्होंने कहाँ देखा हो। मैं तो उनको गैस करने देता हूँ, सोचें किसी मोहल्ले में शायद देखा हो मैच क्रिकेट विकेट खेलते, यानी उन्हें टेंशन बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल, मैं मसला हल नहीं करता। आप बता दें आपको कहाँ देखा? मैं बोलता हूँ कि मेरा बहुत कॉमन फेस है, आपने किसी खानदान में देखा होगा, मुझको रिश्तेदार की शादी के अंदर देखा होगा, कहीं बिरयानी खाते हुए देखा होगा। नहीं मैं मुझे शक बड़ा, मैंने आपको ना तीली वाले कुछ वीडियोस में आप जैसा बंदा देखा हुआ। बिल्कुल, वो आप थे। बिल्कुल, मगर तीली वालों ने आपको क्यों लिया फिर? तीली वालों ने मुझे क्यों लिया? भाई बहुत अच्छी मौजूद की बहुत अच्छी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो तीली वालों को जरूरत पड़ती है कॉमिक टाइमिंग की, जिनकी अच्छी होती है। अच्छा 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 अच्छा, वो तीली वैसे नाम नहीं जो कह तीली जो लोग होते हैं उनके लिए? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं है। अच्छा, आपका नाम, आप भी शेख हैं, मैं भी शेख हूँ, मगर आप एस एच ए वाले शेख क्यों हैं, मैं एस एच ई वाला शेख क्यों? सर आप, मैं पहले ई वाला था फिर मैं ए वाला हो गया अपनी मर्जी से। कैसे चेंज हो जाता है? ऐसे ही मैंने सोचा कि ई आई जो है वो मुझे लगता है प्रोनाउंस सही। अच्छा, पहले आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप वो वाले शेख होंगे, फिर आपके पास पैसे आगे होंगे? नहीं सर, पैसे तो खैर अभी भी नहीं है ये लगाने के बाद भी, लेकिन ये ई से मुझे ऐसा लगता था कि वो प्रोनाउंस सही नहीं होता, तो मैंने उसको जानबूझ के फिर ए कर दिया। ई होने से आपके पास पैसे आए या नहीं आए? नहीं, इसका ये मतलब है इन्हें जो फिल्में मिलती जो ये काम करते हैं इनके पैसे नहीं मिलते? नहीं नहीं, फिल्म के पैसे मिल जाते, फ्री में काम करते हैं। नहीं नहीं, फिल्म के पैसे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। ARV वाले फिल्म नहीं देते, पैसे नहीं देते? नहीं, ARV वाले भी पैसे देते हैं, पैसे सब देते हैं। हाँ। तो फिर आपके पास पैसा कहाँ जाता है? कहाँ खर्च करते हैं पैसा? पैसा सारा उड़ा देते हैं? नहीं नहीं, उड़ाते नहीं है, खर्च करते हैं। फैजान भाई का दिल बहुत बड़ा है बेसिकली। हाँ, तो आप देखिए बीमारी होती है लेकिन फिर भी अच्छा, ये कभी भी आप कहीं इनके साथ जाएंगे कुछ खाना खाने तो इनकी बुरी आदत है किसी को बिल नहीं देते। अच्छा, आपने कहा इनका दिल बड़ा है, आपका क्या क्या बड़ा है? सर मेरा ईमान बड़ा है, सही है, मेरा ज़मीर बड़ा है, वाह, भरोसा, मेरा भरोसा बड़ा है, वाह, और मेरा सोच बड़ी है, सोच बड़ी है। ये आपका तो काफ़ी कुछ है बड़ा है, गुड गुड, ये अच्छी बात है। मैंने तो पहले आपको ना हीर मांझा में ना पहचाना नहीं, हीर मांझा के अंदर आपकी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों है? अब तो सही है, छोटी होगी। सर ये कैरेक्टर है उसकी वजह से दाढ़ी बनाई थी, हमने एक लुक बनाया था उसका कि दाढ़ी मूछें होनी चाहिए इस कैरेक्टर की, तो मैंने दाढ़ी मूछें रखी। दाढ़ी मूछें थी ना? हाँ। तो फिर बड़ी क्यों थी? उसको हमने बड़ा रखा था क्योंकि एक स्टाइल बनाना था उसका खास तौर। नहीं नहीं, बड़े होने से क्या आपका हो जाना था? मतलब बड़े होने से क्या? दाढ़ी बड़ी होने से नहीं, क्या देखें दाढ़ी 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 जो कम रखते हैं मोस्टली, वैसे 90% लोग आजकल दाढ़ी रखते हैं, हमारे हीरो की भी दाढ़ी है लेकिन उसकी दाढ़ी कम है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हीरो की दाढ़ी कम है और विलन की दाढ़ी ज़्यादा है। तो आपने क्यों नहीं रखी? आपका मुंह शायद ऐसा ही है। मैं विलन नहीं था ना इस फिल्म के अंदर। आपके वैसे दाढ़ी आती है, मुझे आती है। हाँ, इनकी सैटरडे संडे को आती है, सैटरडे संडे को आती है, कभी नाराज़ हो जाती है तो नहीं आती। हाँ हाँ, मुझे था शक, ये अमूमन क्यों होता है? मैं ना वो वाला लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाह रहा, कोई और है अच्छा लफ्ज़ उसके लिए, हेल्दी वाला जो बंदा होता है उसको क्या कहते हैं? सेहतमंद। सेहतमंद। हाँ अच्छा अच्छा, मुझे बताएं सेहतमंद लोग फिल्मों में एज अ कॉमेडियन क्यों यूज़ किए जाते हैं? उनको देखकर ज़्यादा हंसी आती है, वो कॉमेडी अच्छी कर सकते हैं? सर ये हमारे यहाँ होता गलत है, लेकिन हमारी मूवी अगर पूरी जब ताकि देखेंगे, चूँकि ईद उल अज़हा पे आ गई है, तो आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ कॉमेडी नहीं की फिल्म के अंदर मैंने। हाँ, और देखिए सर सेहतमंद लोग असल में देखने में क्यूट होते हैं, देखने में बहुत क्यूट हैं। तो सेहतमंद लोग आप जहाँ पूरी दुनिया में देख लें, जैसे कि जैक ब्लैक एक हैं, जैक ब्लैक को आप जानते होंगे। जी जी, जैक बहुत क्यूट हैं दिखने में, तो लोग क्यूट देख के उनसे लोग रिलेट करते हैं। मौजे से लोग मिलते हैं तो मौजे से लोग रिलेट करते हैं। मेरे साथ एक और शो में होते हैं आदि जिनका नाम है, उनसे लोग रिलेट करते हैं। तो अहमद अली भट्ट एक मिसाल है बहुत अच्छी, तो लोग उनको देख के उन पर प्यार आता है, तो लोग उनसे रिलेट करते हैं, इसलिए उनको एक कॉमिक रिलीफ के लिए रखा जाता है। अच्छा अच्छा, यानी उन्हें वैसे एक्स्ट्रा के तौर पर यूज़ किया जाता है? वैसे ही नहीं, ऐसे ही। अच्छा अच्छा, इधर होता है एक्स्ट्रा। अच्छा, आपका ना मुकाबला ईद पे अहमद अली भट्ट की फिल्म, क्या नाम था फिल्म का उनका, उनकी फिल्म का
पर्याट लव के साथ मुकाबला होने जा रहा है मदन अली भट्ट के साथ, वो उसमें कॉमेडी वो कर रहे हैं और हेमांत जब कॉमेडी आप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मुकाबला है? सर उनका जानना फिल्म का बिल्कुल डिफरेंट है और हमारी फिल्म का जानना बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने अपनी फिल्म में कॉमेडी की, आपने भी अपनी फिल्म में कॉमेडी की होगी। सर हमारी सिचुएशन कॉमेडी है, मैंने कोई डायलॉग से आके शुगल नहीं लगाना शुरू किया, हम जिस सिचुएशन में फंसे में तो उसको देख के था, तो उनकी अच्छी नहीं है, यानी आपका कहने का मतलब है। सुन लिया ये मोजिस कह रहे हैं कि जो फिल्म परिहट लव आ रही है उसके अंदर कॉमेडी इतनी अच्छी नहीं है, अहमद अली भट्ट को काम नहीं आता, ऐसे कुछ कह रहे हैं। आपका भी मेरे से सोच बहुत बड़ी है। आप इस फिल्म के अंदर ही मांझा के अंदर विलन बने हैं, तो आपको डर नहीं लगा कि अब आपके ऊपर विलन की छाप लग जाएगी, आपको सारे विलनों वाले रोल मिलेंगे, हीरो वाला अगर कोई मिलना भी था वो भी नहीं मिलेगा? सर मैं नहीं डरता इस बात से, एक एक्टर को कभी भी ये डर नहीं लगना चाहिए कि मुझ पे छाप लग जाएगी या मुझ पे, मैं एक अरसे से कॉमेडी कर रहा हूँ तो इमरान को ऐसा लगा कि मैं कैरेक्टर कर सकता हूँ, लगा तभी उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने ये किया, अगर किसी और को लगता है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, मुझे ये बातें बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आप पे छाप लग जाएगी। अच्छा इसके अंदर मुझे लगा कि आप ना एक विलन अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट हमें ना विलन एक अच्छा मिल गया, शमून अब्बासी और शफकत चीमा के बाद आप आ सकते हैं। सर बहुत दोनों बहुत बड़े नाम हैं, मैं इनके करीब भी पहुंच जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अभी बहुत टाइम लगेगा मुझे करीब, हो सकता है कोई ना कोई रोल आपको हो सकता उनके है साथ मिल जाए, आप उनके करीब आ जाएं। हो सकता है सर, कोशिश मेरी है कि मैं एक नई चीज़ रीडिफाइन कर सकूं, हमारे पास ऑलरेडी एक शफकत चीमा है और हमारे पास ऑलरेडी एक शमून अब्बासी है, मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरा शमून अब्बासी या दूसरा शफकत चीमा बनूं, मैं पहला फैजान शेख बन जाऊं मुझे अच्छा। ओके 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 ठीक है ठीक, मैंने सुना है ठीक है, मुझे आपने बताना है कि ये सच है कि नहीं, मुझे शक है मुझे शक है कि आपका ना हरीम के ऊपर क्रश है, बहुत बड़ा क्रश है, आप उन्हें अंदर ही अंदर प्यार करते हैं। काश ऐसा होता है हरीम, मसला ये है कि आज से 10 साल पहले मेरी वो बहन बन गई थी बहुत अच्छी, मुझे एक थिएटर प्ले किया था मैंने उनके साथ और उन्होंने मेरा ख्याल रखा था क्योंकि मैं बड़ा परेशानी हूँ बताऊँ उन दिनों, तो उन्होंने आके मुझे सिर्फ खाना खिलाया था और मेरी उनसे दोस्ती हुई थी और फिर उन्होंने मेरा सीन बुरा हो रहा था तो मैं बड़ा सैड हो रहा था कि मैं उतनी एनर्जी नहीं दे पा रहा अपने सीन के अंदर, तो ये बड़ी बहन की तरह आई थी, इसने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, इसने गाइड किया था, उसके बाद से वो दोस्ती ऐसी हुई कि अब आपका भाई वो है कि जो ऐसी बातें करता है। नहीं नहीं वो मतलब वो तो आपको छोटा भाई समझती होंगी मगर आप शायद नहीं समझते, मैं ये बस सबूत हैं, आपने ना हरीम के साथ अपनी तस्वीर लगा कर ना इसके ऊपर लिखा हुआ है माई लाइफ LYF वाला लाइफ लाइफ लाइन पूरा वर्ड लिखा था आपने। अच्छा मैंने सिर्फ वही पढ़ा था, आप लाइन ठीक नहीं है, आप लाइन ठीक नहीं, चले मेरी वो भी इतनी चीजें पढ़ती हैं, ओह अल्लाह ये क्या लिखा है, वो उनकी कमजोरी आंखें कमजोर है। लाइफ लाइन यानी आपने उन्हें अपनी लाइफ लाइन का है, आप बड़ी बहन के लिए बहुत सारे लोग यूज करते मगर आपकी शक्ल ठीक है, जो आपकी शक्ल उसके ऊपर आई है ना वो लग रहा है कि आप ना क्या उसको वर्ड बोलते हैं क्यूट गाने के लुक्स पे भी आपने उन्हें ना कहा हुआ क्यूटी ठीक है, फिर क्यूटी के बाद आपने हार्ट फेस वाली जो इमोजी होती है ना आंखों में हार्ट होता वो आपने साथ लगाई हुई थी क्यूटी के साथ, तो आपने कोई है चक्कर आपने प्यार करते हैं थोड़ा काश आपकी बातें सच होती सर, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता अच्छा, सुनते एक और मैं एक और स्टेटस में ठीक है, आपने ना हरीम का ना एक गाना बल्कि हरीम का एक ना कमेंट शेयर किया, उन्होंने कहीं पे ना कमेंट दिया होता किसी बारे में, आपने उसके ऊपर लिखा हुआ मिलते हैं रात को फिर, ओ नाइस सर, असल में सीन ये है कि हरीम आती है बहुत सारी शूटिंग करने कराची, अच्छा। और बहुत कम इत्तेफाक होता है कि वो कराची आना, तो जब भी वो कराची आती है तो फिर हम लोग मिलते हैं रात को मिलते हैं, जैसा शुक्र लगा है चक्कर कोई नहीं, रात को डिनर भी हो सकता है अच्छा, महफिल मिलाद में भी जा सकते हैं, हाँ ये भी हो सकता है, वही वाली बात है ना कि आप सोचते क्या, हाँ आप वैसे ना वैसे आपको मैं कहता हूँ सर आपको मेरी पप्पो से मिलना चाहिए, आप दोनों की ऐसी बनेगी आपको बड़ा मजा आएगा, मुझे ना प्रपोज बड़ी पसंद है बिल्कुल, मेरे भी सिर्फ एक है ना, मैं एक ही कैसी लगती है, एक और हो जाएगी, कैसी लगती है, हैं पप्पू कैसी अच्छी लगती है, नहीं अच्छी होती है, बड़ी हेल्प करे, ईद पे पैसे भी मिलते हैं, ईद ही मिलती है, हाँ वैसे आप ना शक्ल से इतने अक्लमंद लगते नहीं हैं मगर आप हैं अक्लमंद जी, तो हर चीज़ शक्ल पे नहीं होती, ठीक है थोड़ी सी, तो खैर आप भी बेवकूफ़ नहीं लगते है ना, हाँ 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 अच्छा आपके
अपने बालों का इतना अजीबोगरीब स्टाइल क्यों बनाया? मुझे अच्छा लगता है ये स्टाइल। आपके ये माथे पे ये क्या हुआ था? ये मैं गिर गया था, मुझे चोट लगी थी, 3 टाके आए। कब कब हुआ था ये? मैं कोई 8-9 महीने का था उस वक्त। अच्छा 8-9 महीने। मेरे भाई ने मुझे उठाया था, उठा नहीं सके तो मैं गिर गया तो मुझे चोट लगी। आपने अपने भाई को डांटा या मारा नहीं? नहीं, मैंने 2 साल बाद बदला लिया था उससे। अच्छा, आपने उनका सर फाड़ दिया था? नहीं, मैंने स्त्री गर्म उनके यहाँ रख दी थी। आज तक निशान है उसको। मैं कभी भूलता नहीं हूँ अगर मुझे कोई। मगर यहाँ पे दिखाई नहीं ना देता कुछ ऐसे? ऐसे नहीं, नहीं, दिखाई देता, वो छोटी निकरे पहनते हैं कभी। ये फुल ब्रिक स्टूडियो क्या चीज है? उसके आप मेरे ख्याल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। क्या है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की स्पेलिंग आती है? सुनाए मुझे, पता नहीं आ गया। आप चीफ एग्जीक्यूटिव सर, ये आप गलत समझ रहे हैं शेख साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है। मुझे शक था, है ना? तो ये क्या है ये? अब आप पूछिए सर। मैं एक इंडस वैली का ग्रेजुएट हूँ, सही है? तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद एक जगह जॉब कर रहा था, तो वहाँ पर जिस जगह जॉब कर रहा था उन मेरे बॉस के भी एक बॉस आए जिनसे मैं कभी मिला नहीं था, गायबाना बॉस थे वो, उनसे वो मुलाकात नहीं करते थे, शहर में नहीं होते थे। उन्होंने मुझको देखा और बस मेरी गपशप हुई 2-3 मिनट। हाँ, प्यार ही हो गया समझे, तो उनसे 2-3 मिनट गपशप हुई मेरी। तो उन्होंने मुझको देखा, उन्होंने कहा तुम तो बड़े टैलेंटेड बच्चों। मैंने कहा सर कहाँ था यार, हम तो जॉब कर रहे हैं। वो फिर उन्होंने मुझसे बात की क्या क्या करते हो, फिर मैंने बताया कि मैं गेम पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझको बोला कि तुम बस आज से जॉब छोड़ रहे हो, अब तुम मेरे इनक्यूबेटर में आ रहे हो और मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तुम आज से गेम्स बनाओगे। इनक्यूबेटर अच्छा, एक पूरा नहीं मनाना, बिल्कुल ठीक है, माइंड भी नहीं करना। वैसे ना मुझे शक था आपको देखकर, ना आप एक्टर नहीं लगते, आप लगते हैं कि आईटी के कोई बंदे लगते हैं, है ना? हक कर सकता हूँ मैं आपको, है ना? है ना? आंखों में आंसू आ गए, है ना? कर सकता हूँ, है ना? हक कर सकता हूँ, कर दे कर दे कर दे। नहीं नहीं वो उधर से, यहाँ वहीं से कर लो, है ना सर? आपने तो फिर क्यों एक्टिंग में क्यों आए, वजह बताएं ना सर। एक्टिंग में मैं, मेरा पैशन है एक्टिंग, मुझे एक्सप्रेस करने में बड़ा मजा आता है, सही है? और जब मैं एक्टिंग कर रहा हूं तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, हर बंदा ये मेरा पैशन है। और सीरियस एग्जांपल देता हूं, आप जिस टाइप का बंदा हो, जितना मैं खाता पीता हूं ना, मैं खाने के बगैर ना हैंग्री हो जाता हूं, हैंग्री पता है, टाइम सुनी हो गया बिल्कुल सर, मतलब अजीब मूड ना गया जहर भाई। रोजे में आप मुझसे कुछ काम करा लो, मैं उधड़ा हुआ होता हूँ ना यूं के जी क्या ये वो। भाई ने एक्टिंग की जब रोजे में, एक बार रमज़ान में मैंने एक्टिंग की थी 6 दिन, और मैंने जब रियलाइज़ किया कि एक्टिंग मुझे इतनी पसंद है कि जो मेरा टिपिंग पॉइंट होता है ना शाम के 6-7 बजे ना, उस वक्त तो मैं वो रहता हूँ कि बस रूह अफ़ज़े खुल ले हो और सब कुछ अच्छी चीज़ें बन रही हो, मैं उनको सिर्फ देख रहा हूँ। उसमें जब कोई बोल रहा होता ना कि सर एक कॉन्टैक्ट दे दें, लाइट नहीं आ रही और शोल्डर चाहिए, और मैं हंसी सी खुशी खुशी करवा रहा था। दैट डे आई रियलाइज़ कि एक्टिंग ऐसा काम है कि चाहे जितनी भी मेरी बुरी चीज़ कोई भी लगती है, मैं किसी वर्स से वर्स सिचुएशन में भी हूँ, मुझे एक्टिंग बहुत नहीं करती। तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया था ये आज से बहुत साल पहले, 8-6 साल पहले, कि एक्टिंग एक वो चीज़ है कि जो मैं खुशी खुशी करूँगा, चाहे कोई सिचुएशन हो जैसी भी हो, मैं उसको कर लूँगा। तो मैंने नहीं बहुत अच्छा आपने नहीं किया जो भी है ठीक है। हाँ वैसे आपको कभी बॉडी शेविंग का सामना करना पड़ा? आजकल ये लफ्ज़ काफ़ी यूज़ हो रहा है, औरतें बहुत यूज़ करती, बॉडी शेमिंग होती है, मुझे आपको कभी सामना करना? बॉडी शेमिंग मैं थोड़ा समझाएं इसको, एलैबोरेट करें। कोई किसी के मोटापे का अगर मजाक उड़ाता है तो उसको बॉडी शेमिंग है सर। मुझे यहाँ नॉट ओनली मोटापा, कोई भी आपकी बॉडी से रिलेटेड, ऐसे मैंने नोट किया औरतों को ज्यादा फील होता है, मर्दों को इतना फील नहीं होता। मुझे कोई के मोटा तेरा पेट निकला है, मैं तो नहीं बुरा मनाता। हाँ बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता कि औरतों में बॉडी शेमिंग ज्यादा इंटेंस होता होगा मुझे, लेकिन पंजाब में आके सुनने को बहुत मिला, क्योंकि पंजाब के हम शोज, मॉर्निंग शोज इन सब जगह पे गए तो वहाँ पर झुकते चलती हैं। तो मैं पहली बार पंजाबी में, अच्छा मुझे समझ में आती थी, वो मुझे बोलते थे अटे अटे अटो ओटे ओटो कुछ बोलते, फिर मैंने बोला कि इतने बोला क्या, और सब हंस रहे मेरे आस पास, और मैं भी चीज ही तो सुनने को यहाँ मिला बहुत ज़्यादा, लेकिन कराची में इतना सुनने को नहीं मिलता। ये सुनने का नहीं महसूस करते हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, इतना सा सवाल था आप। हाँ मैं ये तो कह रहा था, बॉडी शेमिंग महसूस करते हैं कि नहीं? खुश बंदे आपको कोई कहे मोटे, आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं, आपने बोला भी मैंने शक्ल चेंज की। नहीं मैं एग्जांपल दी, फिर से बोलिएगा, मैं चाहता हूं स्लो मो में आप लोग मेरा रिएक्शन रिकॉर्ड करें। आपको नहीं मैंने बोला? हाँ मैं नहीं बोला, मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा मैं आपकी तरफ आ जाऊँ? आपने फैसल फैसल कुरैशी साहब के साथ आप जी काम करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। हाँ वो आप उनके मॉर्निंग शो के अंदर एक सेगमेंट करते हैं, आपके साथ एक ना बंदे होते हैं, क्या नाम था? आदि 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 आदि
तो वो आदि को क्यों नहीं कोई काम मिलता, आपको क्यों फिल्में मिल जाती? नहीं, आदि भी फिल्म पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, फिल्म ऑलरेडी शूट हो रही है। अच्छा, वो एक्टिंग कर रहे हैं उसमें? जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा था आपकी जोड़ी बड़ी पक्की है, ठीक है, आप जो काम करेंगे एक साथ करेंगे, जितना मानी हेरा और एक दो मानी हेरा आदि और फैजान जैसे तो नहीं, तो नहीं नहीं नहीं, जिसका बरकत उज़्मी, सॉरी बरकत उज़्मी के साथ। जवाब देना चाहूँगा कि जब बच्चे एक घर में पैदा होते हैं तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है वो एक ही स्कूल में रहे, तो फिर क्या उसी स्कूल के बाद हर चीज़ सेम करते रहते हैं कि तुम इंडस्ट्री भी सेम? बहुत सारे काम उन्होंने साथ किए हैं। और आपने क्यों हमें अपनी ये फिल्म में लिया? सिफारिश भी काम नहीं करते हम लोग, ना वो मेरी सिफारिश करता ना मैं उसकी सिफारिश करता। तो आपकी किसने सिफारिश की थी इस फिल्म के लिए? किसी ने भी नहीं। तो पिछली फिल्म के लिए किसने सिफारिश की? किसी ने भी नहीं। तो फिर कैसे काम मिल गया? आज तक कभी सिफारिश नहीं, अगर सिफारिश भी चल रहा होता तो मैं आज बहुत आगे जा चुका होता। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। सिफारिश का सीन नहीं है। अगर मतलब आप आगे नहीं गए? नहीं, मतलब मैं अभी आगे जा रहा हूँ लेकिन अपनी मेहनत से जा रहा हूँ। ठीक है। फैसल कुरैशी साहब कैसे बंदे वैसे? बहुत हसीन इंसान है। अच्छा, वो उन्होंने पिछले दिनों जो फिरदौस जमाल वाला किया था, वो किसी के कहने पे तो नहीं किया था कि वो किसी की फिल्म को कोई नुकसान पहुंचे? ऐसा काम अगर कोई किसी के कहने पे करेगा ना तो वो होगा जिसको ज़रूरत होगी माइलेज की। फैसल कुरैशी को माइलेज की ज़रूरत नहीं। ओके, ठीक है ठीक है। तो फैसल कुरैशी ने फिरदौस साहब से क्यों पूछा फिर? सर, एक तो शो है जिसमें शो में सवाल नहीं होंगे तो फिर कैसे शो होगा? आप भी तो सवाल कर रहे हैं। ये भी है, ये भी नॉर्मल हिस्सा है हमारे शो का। चले ऐसा करते हम अपने शो को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना, आप ऐसा करें मायरा और जो सुपरस्टार है उसके खिलाफ कोई बात करते हैं, अच्छा हो जाएगा जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फिल्म अच्छा करेगी, उसके प्रोमो अच्छे लग रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मसाला है, कंट्रोवर्शियल चीज़ है, आप चाह रहे हैं कि कोई कंट्रोवर्शियल बात हो? हाँ, मायरा आपको चाहिए था, बिलाल अशरफ की जगह मुझे ले लेती। ओ, फिर आपकी फिल्म वेरी सुपरस्टार हो जाती। बिलाल अशरफ के बारे में कुछ कह दें कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती, उनकी बॉडी बड़ी डब खड़ब है उन्होंने। नहीं, बॉडी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई है यार, नकल की हुई है, बड़ा स्मार्ट है, डैशिंग अच्छी बॉडी बनाई है यार। नकल की है? किसकी नकल? वो जो इंडियन एक्टर है, कौन वो, क्या नाम था, मूंछों कैसे नकल की है वो, उसने बॉडी बना के क्यों? वो पहला आदमी जिसने बॉडी बनाई है, शर्ट उतार के पहला आदमी जिसने मूंछ रखी है, या वो पहला आदमी जिसने, वो पहला आदमी जिसने बाल रखे, जो पहला आदमी जिसने, पहला आदमी जिसने शर्ट उतारी है, वो पहला आदमी जिसने बाल बनाए। सर क्या हो, ये तो शर्ट तो कब से उतर रही है, बॉडी लोग कब से बना रहे हैं, मूंछे लोग कब से रख रहे हैं, बाल लोग कब से बना रहे हैं, तो ये तो बॉडी कोई नहीं होती, मतलब ये कॉपी शॉपी नहीं होती। आपने फिल्म में शर्ट उतारी या आपने उतारी शर्ट? मैंने उतारी सर, अल्लाह का शुक्र है कैमरा रोल पे नहीं था। नहीं नहीं, आप लोगों ने क्यों नहीं उतारी? हमारी उतारना बनता नहीं हमारा, क्योंकि आपका कैरेक्टर की डिमांड होती है, कहीं कहीं बॉडी आपको, यानी आप लोगों में थोड़ी बहुत वो है, क्या कहते हैं हमारी शर्म कहते हैं, फैमिली शर्म कहते हैं, हमारी शर्म तो सब में है। फिल्म जो हमारी सेल्फ जॉनर है ना, वो फैमिली फिल्म, फैमिली फिल्म। हाँ, ये जनाब सुने, इन्होंने सुन ले, इनका कहने का मतलब है कि जो दूसरी सुपरस्टार फिल्म है वो फैमिली फिल्म नहीं है क्योंकि उसके अंदर शर्ट उतारी गई है। नहीं, अभी कहा है, मैंने कहा कि हर कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, बिलाल जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसमें शायद ही रिक्वायरमेंट हो कि उनको अपने एब्स दिखाने हो जो उन्होंने बनाए बड़ी मेहनत से, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये कह रहे हो कि जी सुपरस्टार फैमिली फिल्म नहीं है। ठीक है, मैंने आपका एक देखा था एड इश्तेहार, अच्छा वो इस काबिल ही था कि वो टीवी पे चले, तो फिर फेसबुक पे चल रहा था, ठीक है, वैसे ये वाला प्रोग्राम भी ना फेसबुक पे चल रहा, ऐसी बात है। अच्छा, तो वो उस एड के अंदर, ठीक है, आप जिम में जाते हैं, आपके अंदर से एक बदबू आ रही होती है, तो वो आपकी असली लाइफ में बनी? नहीं 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 सर, वो असली लाइफ में नहीं बनी, वो बेसिकली एक मुझे एक क्लाइंट मिला था, नया नया भाई को पहला एड मिला था, उससे आपको बू, वो आपके पास आया, आपसे बू आ रही, तो उसने कहा नहीं आप इस पर शूट कर रहे? नहीं नहीं, उनको उसमें क्यूटनेस पर मेरी उठाया था कि मुझे ये बंदा क्यूट लगेगा अगर जिम के अंदर एक्सर्ट कर रहा होता था, तो जब मेरे डायरेक्टर ने बुलाया तो मैंने बोला सर आप बाकी मेरी क्यूटनेस पर बुला रहे हैं। ठीक है, तो आपने जिम किया, आपका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये वैसे के वैसे क्यों? एक दिन में जिम करने ये इतना अब वो क्यों है पोपले आप? सर क्यूट आपने कभी हक हक किया है? जली जली लग रही, जली सर, क्यूट क्यूट, तो ये जिम में कोई फर्क नहीं पड़ा सर? एक दिन जिम से अगर बॉडी बन रही होती ना सर तो क्या ही बात थी। आपके ना नाक के शेप से मुझे लग रहा है आप जिम करते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी नाक की रीडिंग ठीक नहीं। नहीं, और क्या क्या देख के आप क्या क्या बता सकती हैं बताएं सर? ये बताए सर, अच्छा एक बात बताएं, मेरे नाखून है जो ये टेढ़ा है, अब इससे बताएं कि क्या मैं कितना फारिग आदमी हूँ और मेरा करियर कहाँ जाएगा? नहीं नहीं, ये नहीं,
प्यार के नाखून। अच्छा नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिलाल अशरफ की नाक सही नहीं है क्योंकि वो जिम जाते हैं, ये कहा आपने? नहीं तो सर शेख कासिम कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी नाक का शेप डिफरेंट है तो वो जिम जाते होंगे। आपको कोई भी जगह मिल जाएगी नाक के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। नहीं आप वो जिम करती, इसका वो जिम करती कि नहीं करती? क्या जिम करती है कि नहीं करती? वो करती है बिल्कुल। सोचा क्यों नहीं, फिर नाक क्यों खराब है? करती नाक कैसे अच्छी है? अगर उनकी नाक खराब है तो एक मुझे चीज बताओ। तो आप अपनी बातों से भूल सर, बातों से भूल कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं सर। आपको पता क्या करना चाहिए, सब हमें जवाब दे। अब मुझे चाहिए महवेश हयात का बताएं। महवेश हयात की नाक तो मैंने भी कितनी प्यारी है। काफी एक्टर थे, उन्होंने नाक पे काम किया हुआ। नाक पे काम किया यानी मार्कर से ऑपरेशन, उसको कहते हैं नोज जॉब। नोज जॉब, नोज जॉब। जॉब्स तो एक दो और भी हैं जैसे कि स्टीव जॉब। ठीक है ठीक है, मगर वो ना नोज जॉब अच्छी कराई हो ना तो अच्छा, फिर अच्छी कराई मतलब पहले ठीक नहीं थी उनकी? नहीं नहीं, वो सिर्फ नोज जॉब अच्छी कराने का मतलब यही होता है कि पहले कोई चीज ठीक ना हो तो आप उसको अच्छी करा। बेसिकली उन्होंने जिम अच्छा नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपनी नोज जॉब करा के। एक चीज मुझे बताया, आप क्यों बताएं? आपको आप हर जगह जाकर ना ये देख, ये मैंने शक किया, मैंने नोट किया, ये इन्हें कोई भी जगह मिलती है उधर जाके आप सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? ये देखें, ये सबूत है। ठीक है सर, मुझे भी दिखाएं, मैं भी देखूं सर। कहीं कहीं भी आप थक जाते हैं ना, क्यूट लग रहा हूं यार, मुझे भेजेंगे। एक ना एक चीज होती है, ठीक है, एक अच्छे खानदानी बंदे को ना कहीं भी किसी के साथ सोना अच्छा नहीं लगता, तो आप क्यों सो जाते हैं कहीं भी? कहीं मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, मजदूर आदमी सो जाते हैं। आपके साथ कौन है? हम वो आवाम है जो मेहनत से जाते हैं दफ्तर, वापस आता है, बसों में सोता है। हम वो आवाम जिसके साथ सो रहे हैं, ये आप इनके साथ सो रहे हैं ना? अली क्या नाम है इनका? अली ऐमान के साथ सर, ये तो वो रखा, बटवा रखा किसी का? नहीं 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 नहीं, ये जो है ना कंधा। एक सेकंड, अब आप मुझे बताइए कंधे से आपने कैसे बचाना? कंधे से अली रहमान नासरी ना, अब मैंने आज एक नई नई वो अली रहमान, अली रहमान कैसे बचाना अपने कंधे का बता सकते हैं हमको अंदाजा लगा कि अगर नाक देख के जिम का कैसे है बंदे का और शोल्डर देख के पूरा बंदा बता सकते हैं सर। सर ये मुझे आपकी आर्ट सर, मेरा बाल ले, मैं बाल तोड़ के देता हूं। मैं आगे आना प्लीज, हमारा आगे नहीं है, यहीं बैठ रहे, टेबल लगे, टाइम कम है। ठीक है, ये जो आपकी ये फिल्म है हीर मांझा, ठीक है जी। हीर मुझे बताएं किस बात से नाराज हुई हुई है कि कौन मना रहा है इसे और किस लिए मनाया जा रहा है? देखें हीर एक वजह से नाराज है, मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप ये फिल्म जाके नहीं देखें, आप टिकट बचाना चाह रहे हैं सर। क्या पैसे बता दें, मना कौन रहे हैं? मना उनको दो काफी लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग मना रहे हैं, ऐसे बंदा भी मना रहे हैं, मोजेस भी हैं, अली रहमान भी हैं, मैं भी हूँ, मिकाल भी हैं, सलीम मेराज भी हैं, आबिद अली साहब भी हैं, शाज भी हैं, अहमद अली अकबर, अहमद अली अकबर भी हैं, ये इतने सारे 8, 9, 10, 11, 12 लोग हैं। अच्छा, इसका मतलब आपको ऐसी चीज है जो बताना बता नहीं सकते, कोई ऐसी बात है जिसको आप मनाना चाह रहे हैं मगर वो मान नहीं रही, ऐसी बात है जो कि हम कैमरे पे नहीं बता सकते? कैमरे पे हम नहीं बताना चाहते। अच्छा, यानी सिनेमा में जाके देखें, एक अच्छी बात है, गंदी बात तो नहीं है ना कोई? आदमी अगर गंदी बात होती तो सिनेमा में थोड़ी जाती। अच्छा ठीक है, सिनेमा में जाएंगे जाके वहां देखेंगे। अगर गंदी बात होती तो हम भी आपकी तरह फेसबुक पर डाल लेते उस इस मूवी को। अच्छा, मुझे लगता है एंड पे वो मान जाती है कि नहीं मानती? सर ये तो नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते। सर आप मुझे 1200 दे, मैं आपको 1200 दे, मैं आपको पहले पॉपकॉर्न ला के दूंगा बाहर से, आप बैठे मैं आपको पूरी फिल्म सुना दूंगा। आपने आखिरी मूवी कौन सी देखी थी? मैंने आखिरी वो इन्होंने व्हाट्सएप पे देखी थी, बता नहीं सकते। सवालत नहीं करते बेटा, होश से, सॉरी सॉरी। ये अच्छा, ये आपकी ये जो है फिल्म के अंदर दो तीन जो डायलॉग होंगे आपको याद ही होंगे, कोई बोल के दिखाएं डायलॉग फिल्म के अंदर? सर मैं अभी रिवील नहीं कर सकता कोई है तो असल में सिचुएशन डायलॉग वो कर दे, वो डायलॉग जो आपने आमना शेख को कहकर देखकर बोला वो वाला, क्या आप हमारी मदद करेंगी? ये बस ट्रेलर में इतना ही रिवील हुआ तो मैं इतना बता सकता हूँ, बड़ी पूरी सिचुएशन है। ऐसे मुंह क्यों बनाया सर? आप जब आमना शेख के सामने खड़े होंगे ना तो आप भी कर रहे होंगे। आपको सर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, आपसे वो कोई 15-20 साल बड़ी होंगी। बिल्कुल सर, लेकिन खूबसूरती की कोई बाउंड थोड़ी होती, खूबसूरत बंदा जिस तरह ये मायरा ना मायरा, उसको हर खूबसूरती की कोई लिमिट नहीं है। आपका कोई डायलॉग आपको याद हो फिल्म का? मुझे सारे डायलॉग याद है, मैं नहीं सुन नहीं रहा वैसे भी, पूछ याद है कि तभी तो मैंने कहा मैं सुनाऊंगा। चले ऐसे करते शो को करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, थैंक यू आपका। फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी ना, साइज बड़ा हो जाएगा इंटरनेट, हाँ होता है टाइम ज्यादा
पक जाता। मैं होप करता हूँ कि आपकी फिल्म चले, ठीक है, सर कामयाब हो, चले नहीं कामयाब हो सर, और थोड़ा सा ना वीडियो को टेढ़ा करके डालिएगा, मैं यहाँ से भारी हूँ ना तो टेढ़ी हो जाएगी। ये मैंने अपनी बॉडी शेप जब से शुरू की ना तब से मैंने एक्सेप्टेंस लिया है। आपके साथ वाकई बहुत मजा आया, मैं ऑनेस्ट नहीं, आपके साथ वाकई बहुत ज्यादा मजा आ सकता था अगर आप अच्छे होते, आया नहीं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये शो पसंद आएगा, तुमसे तो हुआ नहीं लेकिन हमने कोशिश की थी। हमारी फिल्म आ रही है ईद उल अज़हा पे, देखना जरूर, बट हीर मांझा, हीर मांझा।